हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क के ही सवाल बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने थोड़े छोटे सम्स बताए थे, तो आज मैं उसी के आगे सम्स बताने वाला हूँ। तो इस टाइप के सम्स को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप्स के सम्स जरूर से जरूर एग्जाम में एक सवाल जरूर से जरूर ही आता है। लगभग हर सवाल एग्जाम में आता रहता है। तो चलिए देखते हैं सम्स। जैसा कि सम्स में दिया गया है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20, 40, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिल करके इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ पर जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, उसी टाइप से यहाँ पर भी तो कह रहा है ए जो है कितना यूनिट काम करे। क्रमशः का मतलब होता है सीरियल से, मीन्स यहाँ पर ये पहले है तो ये पहले वर्क है, और ये बी का है दूसरा, और ये सी का है तीसरा। मीन्स यहाँ पर ए बी और सी की जो वैल्यू दी गई है, मीन्स ए जो है कह रहा 20 और जो सी है वो 40 दिन में और सी 60 दिन में। मीन्स ए 20 दिन में, बी 40 दिन में और सी 60 दिनों में एक काम को करते हैं। तो कह रहा जब तीनों मिल जाए तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? तो इनका एलसीएम अगर देखें तो 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब 120 एलसीएम आएगा तो इसका इसमें अगर भाग देंगे तो 2 × 12 मीन्स 6 यूनिट, और 4 × 3 = 12 मीन्स 3 यूनिट, और 6 × 2 = 12 मीन्स 2 यूनिट। तो ये इनके क्या आ गए? यूनिट काम, मीन्स एक एक दिन के काम आ गए। कि ये जो है 6 दिन में एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और बी जो है 3 यूनिट काम करेगा, सी जो है 2 यूनिट ही काम कर पाएगा। और टोटल यूनिट कितने काम करने हैं? हमें 120 यूनिट काम करने हैं। तो कह रहा है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी में जब तीनों मिल जाते हैं तब कितने यूनिट मीन्स कितने दिन में काम कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर तीनों लोग मिल जाएंगे तो कितने यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में? तो 6 × 3 = 9, 9 और 9 × 2 = 11 मीन्स 11 यूनिट टोटल काम हो जाएगा जब तीनों लोग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है तीनों लोग मिल करके कितने दिन में काम करेंगे, मीन्स इसका भाग दे देंगे 120/11, तो यही आ जाएगा टोटल दिन। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता है 11 × 9 = 110 होता है, मीन्स 11 × 10 में तो पूरा चला जाएगा, बचेगा 10 मीन्स 10/11 दिन। तो यही इसका आंसर है कि 10 सही 10/11 दिन में ये पूरा कर लेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा सम्स। जैसा कि सम्स में दिख रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों एक काम को मिल करके 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि बी व सी अलग अलग उस काम को 40 और 50 दिन में करें तो ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसमें कैसे करेंगे? तो वैसे वही मेथड है कि यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि ए और बी और सी जब तीनों मिल करके काम करते हैं तो 20 दिनों में काम समाप्त हो जाता है। और कह रहा है कि अगर बी और सी जब अलग अलग काम करते हैं तो बी 40 दिनों में और सी जो है 50 दिन में काम करता है। अब सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20, 40, 50 का एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 200। तो 20 × 9 = 200 मीन्स 10, और यहाँ पर 4 × 5 = 20 मीन्स 5, और 5 × 20 मीन्स 4 मीन्स इसका एक एक दिन का ये यूनिटों का काम निकल आया कि तीनों मिलकर के एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है और सी जो है 4 यूनिट कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि केवल ए कितना यूनिट काम करेगा? तो इसको ऐसे समझें कि ए और बी और सी तीन लोग हैं, इनको 10 रुपए मिले हैं, और बी को अगर 5 रुपए मिले हैं और सी को 4 रुपए मिले हैं, तो पूछा जाएगा कि ए को कितना मिला आखिर। तो ऐसे निकाल सकते हैं कि जो 5 है और ये जो कितना है 4, तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 9 आएगा, और 9 में अगर हम 10 में 9 घटा दें तो आ जाएगा 1 का रुपया। ठीक, तो इसी टाइप से करेंगे, मीन्स ए को कितना रुपया मिला है या कितने यूनिट काम करेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 में
दोनों को ये जोड़ करके बी और सी का काम घटा देंगे तो मेंस एक आ जाएगा। मेंस ये जो एक यूनिट आया है, ये एक यूनिट क्या है, ये है ए का काम। तो बस यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि ए कितने दिनों में कर सकता है, तो केवल यहाँ जो भी आता है यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। मीन्स 200 बटे एक, मीन्स 200 दिन, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। मीन्स ए अकेला 200 दिन में काम पूरा करेगा। आई होप आप लोगों को ये सम्स पसंद आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। इन दोनों सम्स में अगर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी टाइप की वीडियो मैं और भी लाता रहूँगा। धन्यवाद।